अपनी एक डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर को लेकर विवादों में घिरी डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई दूसरी पोस्ट को लेकर घिर गई हैं। लीना ने अब शिव पार्वती को लेकर विवादित पोस्ट की है। लीना ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि लगता है कि सारा देश उनको सेंसर करने पर तुला है। लीना ने ये भी कहा कि वो डर महसूस कर रही हैं। भोपाल पुलिस ने फिल्म काली की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इससे पहले मध्य प्रदेश की साइबर क्राइम पुलिस ने ट्विटर लीगल डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखकर लीना मणिमेकलाई के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई सामग्री 36 घंटे के भीतर हटाने का अनुरोध किया है। हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को पत्र लिखने जा रहे हैं कि एक LOC जारी करें, वो लुकआउट सर्कुलर होता है, ये लीना मणिमेकलाई जी के खिलाफ, क्योंकि अब वो जो कर रही हैं वो जानबूझ के कर रही हैं ऐसा प्रतीत होता है, तो इन दोष पर तत्काल कार्रवाई हो, इसके लिए हमने केस रजिस्टर तो कर ही दिया था। भारतीय उच्चायोग की आपत्ति के बाद ओटावा में काली फिल्म की स्क्रीनिंग से जुड़े आयोजकों ने माफी मांग ली है। उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग भी रोक दी है। तृणमूल कांग्रेस भी अब फिल्म मेकर का समर्थन करने वाली महुआ मोइत्रा को लेकर सख्त रुख दिखा रही हैं। ममता ने भी सीधे तौर पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। ममता ने ये भी कहा कि कुछ लोग बेकार के मुद्दों को भड़का देते हैं। तृणमूल ने महुआ पर कार्रवाई के भी संकेत दिए हैं। आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ रांची में प्रदर्शन किया गया। हिंदू संगठनों ने प्रोड्यूसर और TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ हुगली के श्रीरामपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। थाने पर इन कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा समर्थकों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की और जमकर हाथापाई हुई। भाजपा महिला समर्थकों ने जबरन पुलिस बैरिकेड तोड़कर पुलिस थाने में घुसने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सत्ता जाने के बाद मुश्किलें कम नहीं हुई। अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे नीत गुट को ठाणे में बड़ा झटका लगा है। ठाणे नगर निगम में पार्टी के 67 पूर्व पार्षदों में से 66 ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के प्रति समर्थन जताया है। ये इस ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे गुट को BMC चुनाव में भी झटका लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां के लोगों को कई सारी सौगातें दी। इनमें से सबसे खास है अक्षय पात्र किचन। इस किचन को काशी में तैयार किया गया है। इस विशालकाय किचन में 1,00,000 बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार किया जाएगा। इसमें कई आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इस दौरान PM मोदी ने सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ भी वक्त गुजारा, जहां बच्चों ने प्रधानमंत्री के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। पंजाब के CM भगवंत मान ने चंडीगढ़ में दूसरी शादी कर ली। मेहमानों की सीमित संख्या के बीच सादे ढंग से शादी की रस्में अदा की गई। शादी की रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन बनी गुरप्रीत कौर ने खुद पति भगवंत मान के साथ फोटो ट्वीट की। इस समारोह में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी पत्नी सुनीता और बेटी के साथ शामिल हुए। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी सपरिवार समारोह में मौजूद रहे। MP MLA कोर्ट ने अभिनेता राज बब्बर को 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 8,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। राज बब्बर को यह सजा 26 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने सुनाई। लखनऊ के वजीरगंज में उन्होंने चुनाव अधिकारी से मारपीट की थी। इसकी FIR 2 मई 1996 को दर्ज कराई गई थी। गुजरात के जामनगर में लगातार बारिश के बाद शहर में सैलाब आ गया। कालावड़ इलाके के पास एक स्कूल बस पानी में बह गई।
बस में 9 बच्चे, 2 टीचर और ड्राइवर थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही से बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। नेशनल स्कूल खरेड़ी के ड्राइवर को पता था कि पानी की वजह से रास्ता बंद है, लेकिन फिर भी उसने सैलाब में बस डाल दी। पानी के बीच स्कूल बस फंसने से बच्चों में चीख पुकार मच गई। टीचर ने बच्चों को समझाया कि वो परेशान न हो। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद पानी के बीच में फंसी स्कूल बस से बच्चों और स्टाफ का रेस्क्यू कर लिया। गुजरात के राजकोट में भी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। जाम कंडोरना तहसील में लगातार हो रही बारिश के चलते पोपल नदी पर बना पुल गिर पड़ा। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ब्रिज का कुछ हिस्सा गिरने की वजह से गोंडल और जाम कंडोरना को जोड़ने वाली सड़क पर आवाजाही बंद हो गई। बताया जा रहा है कि ये पुल काफी पुराना था और इसकी मरम्मत होनी थी, लेकिन ये पुल नदी का रौद्र रूप नहीं सह सका। गुजरात के द्वारका में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद सड़क जलमग्न दिख रही है। पोरबंदर, गिर सोमनाथ जिले में भी बारिश की वजह से बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। मौसम विभाग ने समुद्र के किनारे बसे शहरों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से द्वारकाधीश मंदिर की ध्वजा को आधे धर्मदंड पर लहराया गया। मौसम विभाग और प्रशासन ने समुद्री इलाकों के पास न जाने का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण गुजरात के वलसाड और वापी में भी पानी का प्रकोप देखा जा रहा है। वापी में भारी बारिश के बाद रेलवे अंडरपास के पास स्कूल की बस फंस गई, जिसके बाद 20 बच्चों का काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। वापी ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला ये अंडरपास बारिश के पानी में अक्सर भर जाता है। हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिन तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 8 और 9 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में मॉनसून के आगाज के साथ ही कई जिलों में भारी तबाही देखने को मिली। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को नदी नालों से दूरी और पर्यटकों को एहतियात बरतने को कहा। बीते 24 घंटों में मंडी, शिमला, बिलासपुर और कांगड़ा जिले में बारिश के बाद काफी बर्बादी हो चुकी है। बीते 3 दिनों में ही प्रदेश में करीब 22 लोगों की जान जा चुकी है। असम में बाढ़ से तबाही जारी है। हालांकि मोरीगांव समेत कुछ जिलों में हालात में सुधार है। मोरीगांव जिले में अब भी करीब 6,000 लोग प्रभावित हैं। बाकी जिलों में बाढ़ के चलते लोगों का पलायन जारी है। अब तक 185 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। फिलहाल असम के 15 जिलों में करीब 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों में पहुंचा रही है। उत्तराखंड में भी आसमानी आफत लगातार बरस रही है। कई जिलों में तेज बारिश के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत में अभी और बारिश होगी। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना के चलते येलो अलर्ट है। देहरादून के कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन का दावा है कि 5 रैन बसेरों में 500 लोगों के बारिश से बचने के पूरे इंतजाम है। वहीं पहाड़ों में भूस्खलन की वजह से केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही प्रभावित रही। केरल के कन्नूर में भारी बारिश और तूफान ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। पेड़ और बिजली के खंभे घरों पर गिरने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। मुन्नार में भी लगातार बारिश से जीना मुहाल हो गया। कोट्टायम में बारिश से खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी भर गया, जिससे किसानों को अपनी फसल की चिंता सताने लगी है। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान नदी के गहरे पानी में डूबते हुए लोगों को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम ने बचाया। इसके अलावा लोगों को बताया गया कि अगर वो कभी बाढ़ में फंस जाए तो कैसे खुद को बचाएं। शाहजहांपुर में हर साल 3 प्रमुख नदियां गंगा, रामगंगा और वहगुल तबाही मचाती है। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने जबरदस्त जीत दर्ज की। भारत ने इंग्लैंड को 50 रन से हरा दिया। भारत की जीत के हीरो हार्दिक पांड्या रहे, जिन्होंने बैट और बॉल दोनों से कमाल दिखाया। पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले सिर्फ 33 गेंदों में 51 रन जड़ डाले और फिर गेंदबाजी करने आए तो 4 बल्लेबाजों को चलता किया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 8 विकेट खोकर 198 रन बनाए।
कप्तान रोहित शर्मा ने वापसी करते हुए 14 गेंदों पर तेज 24 रन बनाए। दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव ने 33 और 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन असली जलवा हार्दिक ने 51 रनों की पारी से दिखाया। 199 रनों के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम शुरू से ही बिखर गई। टीम 20 में डेब्यू करने वाले अर्शदीप और भुवनेश्वर कुमार ने कमाल की शुरुआत की। दोनों ने न सिर्फ रनों पर ब्रेक लगाया बल्कि विकेटें भी झटकी। अर्शदीप ने पहले ही मैच में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट लिए। इंग्लैंड के 4 विकेट सिर्फ 33 रनों पर गिर गए। इंग्लैंड की पारी संभालने के लिए ब्रुक और मोइन खान ने कुछ शॉट जरूर लगाए, लेकिन मैच में इंग्लैंड की वापसी नहीं हो पाई। इंग्लैंड की पूरी टीम आखिरी ओवर में 148 रन पर सिमट गई। ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले हार्दिक मैन ऑफ द मैच रहे। यूपी के देवरिया में ट्यूशन पढ़ने गए 6 साल के मासूम को अगवा कर फेविक्विक से मुंह चिपकाकर हाथ पैर बांधकर बेरहमी से हत्या की वारदात सामने आई। बच्चे का शव ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर के घर के बाहर बने टॉयलेट से मिला था। पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा करते हुए बताया कि टीचर का पौत्र हमेशा पबजी खेलता रहता था, जिस पर उसके दादा दादी उसे डांटते थे। अपने दादा दादी से बदला लेने और उन्हें हत्या के जुर्म में फंसाने के लिए पौत्र ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कानपुर देहात में जमीन विवाद में ट्रैक्टर से कुचलकर महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना शिवली कोतवाली के सिंहपुर गांव की है, जहां आरोपी ने अपने बेटे के साथ मिलकर पहले पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया, फिर उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि महिला किसी दूसरे शख्स के साथ रह रही थी, लेकिन उसके नाम पर जो जमीन थी उस पर मालिकाना हक के लिए ये झगड़ा हुआ था। पुलिस 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी के झांसी में 10 साल के बच्चे का शव उसके पड़ोसी के घर में मिलने से हड़कंप मच गया। लचूरा थाना इलाके के खंदरका गांव में मजदूरी करने गए माता पिता जब घर लौटे तो बच्चा घर पर नहीं था। बच्चे के मामा ने बताया कि उसने खेलने के दौरान गांव के कुछ लोगों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। जब वो वहां से भागा तो उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या कर दी। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में तनाव के बाद हालात सामान्य है। रघुवरपुरा इलाके में एक महिला की हत्या के मामले में इलाके के लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे। इसी दौरान भीड़ ने गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा करते हुए कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था।